और हम मुस्कुरा भी ले तो वो हालात तो है, सरकार की इस बात को मान ली। हो सकता है 2020 का है, अभी आपके साथ कुछ एक दो पॉइंट पर बात मान ले, कुछ चीजें हो जाए। क्या किया नियोजित शिक्षक के साथ? 100 पेपर पर दस्तखत करा लिया, और कितने 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 क्लोज कितने कितने क्लोजर लगा लिए, और जिस तरीके का क्लोजर उसने लगाया नियोजित शिक्षक में, वो मैं आपको बता दिया। तो इसीलिए जो परिस्थिति है उसमें एक बात बहुत गंभीर है कि नीति, अब जो लोग सर्टिफिकेट बंटवाने के वक्त नहीं थे, उनको मैं बहुत गंभीरता से बता दूं कि उनका भीतर साफ नहीं होगा। जो नेता आपको, उनको पता नहीं होगा पप्पू यादव के बारे में। अब यदि उनके मन में आप जो ये सोचिएगा कि आप जो बोलिए हम वही कर देंगे, वो तो इस जन्म में नहीं करेंगे, आज इस जन्म में नहीं करेंगे। हाँ वही, और आपको तो टीटी के लिए आपने जब सब कुछ हुआ नहीं था, तो भाई साहब आपके सारे सवालों के लिए सदन में 4 वीडियो मेरा है लोकसभा के भीतर। भैया वही बात मैं कह रहा हूँ ना, नहीं बहालते तो सर्टिफिकेट दिलवाने में सड़क से सदन तक हमने आपकी लड़ाई लड़ी। सर्टिफिकेट दिलवाने के लिए कोई और नहीं आया था, और ये हमारे मित्र लोग थे, और इन्हीं लोगों के चलते मैंने हमेशा इनके साथ हम खड़े रहे। और आज यदि आप इक्के बार में आप चाहते हैं, जैसे आप सब कुछ चलता आप करते हैं, मैंने आपको इसीलिए ये सर्कमस्टांसेस और परिस्थिति बताई कि आपके साथ कुछ भी हो सकता है। जो होता रहा है, जो घटना घटित हुई है, फिर हम नियोजित शिक्षक को लेकर के क्रिएटिव में गए हैं, दोबारा सुप्रीम कोर्ट में हम जाकर के फाइट किए हैं कि मेरे साथ अनजस्टिस हुआ है। हम पहले भी आपको मैंने कहा था कि अनजस्टिस होगा, और हम आपके साथ खड़े रह गए हाईकोर्ट से सुप्रीम कोर्ट। आप जब भी, अब सुप्रीम कोर्ट भी जब ललित जी चीफ जस्टिस के हाथ में गया, तो मैंने अपने सारे लॉयर को, हम जब मिले अपने कपिल सिब्बल जी से, अन्य सारे लॉयर से, जब बड़े बड़े सीनियर लॉयर थे, मैंने कहा कि अब जस्टिस की उम्मीद शायद नहीं है। मैंने उसी दिन कहा, आप सारे दोनों ग्रुप के अध्यक्ष थे, मैंने कहा आप समझ लीजिए कि जस्टिस की उम्मीद अब शायद सुप्रीम कोर्ट से आपको ना मिले। मैं आज भी आपको कह रहा हूँ कि एक बड़ा लड़ाई है, सरकार इस मुद्दे पर गंभीर होना चाहिए था, और सरकार को किसी भी परिस्थिति में अपने ही बिहार के बच्चों के साथ, भविष्य के साथ, जो आप बार बार कहते हैं कि हम इतना बहाल करेंगे, तो आप बहाल जो करिएगा, जो सही माने में लंबे सफर संघर्ष कर करके टीईटी जैसे एग्जाम को पास करके, जिसका मानक आज आपके रूल पर, आपके लॉ पर खरा उतरता है, आप उसको दरकिनार करके और नए सिरे से आप पैसा कमाने के लिए अलग अलग आपको लगता है कि फिर कोई नया रास्ता मिल जाए पैसा कमाने का। पहले ये आप इस बच्चों को अलग करके आप नया चीज करना चाहते हैं। मेरा सवाल सिर्फ अंत में इतना ही है कि आप क्या चाहते? आप यदि संघर्ष करिएगा तो हम संघर्ष में आपके साथ खड़े हो जाएंगे। आप यदि सुप्रीम कोर्ट जाइएगा तो हम सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में खड़े हो जाएंगे। आप यदि कहिएगा, देखिए कोई सुनने वाला तो है नहीं, इस तरीके से कोई समझिएगा, सुनने वाला डर होगा चुनाव का और वोट का, तभी कोई सुनता है।